बेच के का फ्लैट मिल रहे हो तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो भी नाइन ऑफ किस्ट में। मेरा नाम है अमृता शर्मा, ड्रीम प्रॉपर्टी 99 में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है सूरज, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ ड्रीम प्रॉपर्टी 99 में। मैं सपोर्टर हूँ जो जानकारी आपको बीच बीच में देता रहूंगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं टू बेडरूम फ्लैट के रूम की तरफ। जी, टू बेडरूम हॉल किचन में हम लोग एंटर कर रहे हैं। वाओ, ये हमारा आ जाता है लिविंग हॉल दोस्तों। काफी चकाचक चकाचौंध बोल सकते हैं इसको, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लैट अवेलेबल है। यस, और ये आपको मिल जाता है बालकनी। जी बालकनी, आपको 2.5 फीट का पूरा बालकनी मिल जाता है ग्लास के साथ में। ये पूरा ग्लास का लगाया हुआ है बीच में पार्टीशन दोस्तों। 24 माले का टावर है दोस्तों, और ये आपको आ जाता है दोस्तों। आप भी ऐसी सजावट कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल आप भी ऐसा लगा सकते हैं अपना। जी जी, काफी स्पेस है, देखिए डाइनिंग टेबल लगाने के बाद भी स्पेशियस है। और ये 2 बेडरूम हॉल किचन का ये है लिविंग रूम है, तो ये अपना हॉल है। आप देख सकते हैं सोफा सेट वगैरह सब सेट किया गया है, फिर भी उसके बाद भी जगह है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, लिविंग रूम आपको मिल जाता है अपना 9.6 अपना फुट और इंटू 15.6 मतलब 9.5 फुट बाय 15.5 फुट का ये आपको साइज मिल जाता है लिविंग रूम में। तो दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं किचन की ओर। जी जी, किचन देखते हैं हम लोग। तो किचन में जाने से पहले ये जो पैसेज जो मिलता है देखने को, वाओ। तो ये आप देख सकते हैं काफी बड़ा प्लेटफॉर्म वाला किचन है दोस्तों हमारा। जी जी जी, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, और साथ में आपको यहाँ पे आ जाता है सेकंड प्लेटफॉर्म। हाँ, यहाँ पर भी आपको लगा के दिया जाएगा, जो कि फिलहाल सैंपल में नहीं बना है लेकिन हम आपको देने वाले हैं। यस दोस्तों, साथ में आपको मिल जाता है मॉड्यूलर, आपको हम देते हैं मॉड्यूलर किचन। यस दोस्तों, और ये आपको आ जाती है बालकनी। बालकनी दोस्तों, काम करते करते अगर हमारी जो बहने हैं थक गई है या तो बोर हो गई है, तो वो बालकनी में खड़ा रहकर थोड़ा सा बाहर का व्यू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखने के लिए भी जगह है, और काफी स्पेस है, और स्टैंड लेके मस्त आराम से चाय पीते हुए आपकी जो घर के लेडीज से वो एंजॉय कर सकती है। Yes. तो दोस्तों आ जाइए, आपको मैं फर्स्ट बेडरूम दिखाती हूँ। जी जी, ये हमारा आ जाता है कॉमन बेडरूम दोस्तों। हाँ, फर्स्ट बेडरूम जो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, या तो आपके जो गेस्ट है उनको दे सकते हैं। हमेशा लोग अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं, हम बात करेंगे आपके माता पिता के बारे में। आप आपके माता पिता को भी ये बेडरूम दे सकते हैं, या तो आप आपका जो मास्टर बेडरूम है वो भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं आप। लेकिन अपने माँ बाप को भी याद रखिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ बच्चे को ही याद ना रखिए, क्योंकि बच्चे तो अपनी ज़िंदगी जियेंगे, लेकिन जिन माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, अपना पेट मतलब पेट का जो मतलब पेट को मार के उन्होंने आपको बड़ा किया है कैसे तकलीफों में, तो आप उनको भी एक ऐसा बेडरूम दे सकते हो। आप बेडरूम दे दोस्तों, ये देखिए आपको बाहर का नजारा। जी हाँ, आपका बालकनी, ये रहा आपका बालकनी, काफी सुंदर खूबसूरत बालकनी है, और मतलब बोर हो जाओगे तो आप बालकनी में खड़ा रह सकते हो दोस्तों। ऐसे डेकोरेशन कर सकते हो, कांच लगा सकते हैं यहाँ पे। जी जी जी, आपका फेस यहाँ पे बहुत सुंदर दिखेगा। जी जी डेफिनेटली, एक्चुअली वार्डरोब तो बताया नहीं, थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है शायद, क्योंकि वार्डरोब का यहाँ पर जगह हाँ, दिया गया है। तो यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए जगह है दोस्तों। हाँ, मतलब यहाँ पर वार्डरोब रखा गया है। यस, ये दीवार के अंदर नहीं है, बाहर है, तो आप भी अपना वार्डरोब वगैरह ऐसा रख सकते हैं। वार्डरोब का स्पेस यहाँ पर दिया गया है, तो स्पेस काफी ठीक है, ओके है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो दोनों तरफ, और बाकी ये जो ऊपर का जो फिटिंग्स है वो आपको एज इट इज मिल जाएगा। Yes. और ये देखिए, जी हाँ, ये अपना बीच का पैसेज आ गया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सेकंड मास्टर बेडरूम में। हाँ, ये वो मास्टर बेडरूम दिखाने से पहले कुछ जानकारी दे देते हैं कि हम लोग। Yes. ये जो बिल्डिंग है आपको स्टार्टिंग से मैं जानकारी दूंगा, नायगांव स्टेशन से अपना 1 किलोमीटर के रेंज में है, और ये बिल्डिंग का टोटल जो फ्लोर है, नीचे का जो ग्राउंड पकड़ते हैं, ग्राउंड में स्टिल थे, स्टिल पार्किंग, प्लस फर्स्ट फ्लोर पे पोडियम पार्किंग है, और सेकंड फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल चालू हो जाता है। सेकेंड फ्लोर से 24 फ्लोर तक ये अपना इसका रेसिडेंशियल है। इसमें 4 टावर है, 4 टावर का बिल्डिंग है, पर टावर में आपको 2 स्टेयरकेस 3 लिफ्ट मिल जाता है। लैंड पार्सल है टोटल 3.5 एकर का, और इसमें 1 BHK और 2 BHK दोनों अवेलेबल है। और अपना क्या बोलते हैं, इसका
इसका जो है अपना एमिनिटीज है वो टोटल, पहला जो एमिनिटीज है दो एमिनिटीज है, 12,000 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाता है एमिनिटीज, किड्स प्ले एरिया के साथ में क्लब हाउस, और दूसरा जो एमिनिटीज आपको और एक मिल जाता है 15,000 स्क्वायर फीट का पोडियम एमिनिटीज। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका पोजीशन का टाइम भी मैं आपको बता देता हूँ। डेवलपर पोजीशन अपना डेवलपर पोजीशन कमिटमेंट करता है दिसंबर 26 का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पैसेज है। हाँ, इसका हम लोग कारपेट बता देते हैं, प्राइस आपको लास्ट में बताएंगे। कारपेट है 652 का, यूजेबल कारपेट इसमें आपको मिल जाता है। और आप ये देख सकते हैं अभी हम लोग ओपन करते हैं मास्टर बेडरूम का जो कि सेकेंड बेडरूम है। काफी बड़ा बेडरूम है। जी जी, काफी बड़ा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बालकनी दोस्तों। बालकनी, वाओ, आपके बच्चों के लिए। जी जी, काफी लिए। काफी सुंदर बालकनी यहाँ पर भी है, मतलब दोस्तों पूरा बालकनी में एक्चुअली चाय पीने का मजा आता है। चिल चिल, मतलब चिल्ड होने का पूरा चांस है, आप बिल्कुल बोर नहीं होगे। इस प्रोजेक्ट में आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाता है, ठीक है। एमिनिटीज तो बहुत है, जितना हम लोग बताएंगे उतना कम है, इसलिए एमिनिटीज हम लोग नहीं बता रहे हैं। एमिनिटीज आप आओगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितने सारे एमिनिटीज हैं। हाँ, आपके लिए बहुत सारा सरप्राइज है। और जो प्राइस हम लोग आपको बताएंगे वो कोटेड आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएबल है, कम हो जाएगा, लेकिन डेट के ऊपर भी डिपेंड है क्योंकि हर 6 महीने 1 साल में रेट बढ़ता ही रहता है। हम लोग प्राइस, देखो मैं पहले के कोई भी वीडियो में प्राइस नहीं बताता था क्योंकि कस्टमर लोग अगर वीडियो कब देखते हैं कब आते हैं, फिर प्राइस थोड़ा ये टाइम के हिसाब से बढ़ गया रहता है, तो वो टाइम में थोड़ा सा ये हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आपके जो ये जो आस्किंग प्राइस है, कोटेड प्राइस है, ये आपको नेगोशिएबल हो जाएगा। ये क्या है? अच्छा, ये वॉशरूम है, काफी सुंदर है, खूबसूरत है, आप देख सकते हो काफी बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखा गया है। ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मॉल में हो। इसमें ये सारे फिटिंग्स आपको एज इट इज मिल जाएगा, ये मिरर को छोड़ के। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा के दे रहे हैं, जैसे गीजर वगैरह कुछ लगा के दे रहे हैं, वो उसके लिए आपको आना होगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आप आइए, नाइगो स्टेशन से पिकअप ड्रॉप अवेलेबल है। तो दोस्तों अब हमारा आ जाते हैं कॉमन वॉशरूम। जी जी, कॉमन वॉशरूम तो होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ज्यादा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आपके मास्टर बेडरूम के अंदर घुस के यूज करे। अभी बताएंगे इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये सारे फिटिंग्स आपको सब कुछ एज इट इज मिल जाएगा। वॉशरूम आप देख सकते हो, साइज 4x6.66 का ये वॉशरूम है, ठीक है, मतलब काफी बड़ा है, 4x6.5 का ये वॉशरूम है, उससे भी बड़ा। तो वेंटिलेशन वगैरह सब कुछ है, आप देख सकते हो, ये सारे फिटिंग्स आपको एज इट इज मिल जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो आपको लगा के दे रहे हैं। तो कैसा लगा 2 BHK का फ्लैट? जी जी, काफी अच्छा है, और कुछ ही यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है, और जल्दी आइए, ठीक है, साइट विजिट कीजिए अपने फैमिली के साथ में। और हाँ, आपको सिर्फ 10% डाउन पेमेंट करना है, ठीक है, और इसका जो ड्यूज है इस प्रोजेक्ट का, सिर्फ 10% ही ड्यूज है इसका। तो आपको EMI जो है वो बहुत ही कम आएगा, मतलब आपको EMI स्टार्टिंग में जो आएगा 5,000 के आसपास कुछ आएगा, 5-6,000 या 10,000 रुपये आपका EMI आएगा, क्योंकि उतना ही ड्यूज है, तो लोन उतना ही अमाउंट बैंक वाला प्रोजेक्ट को देंगे। तो दोस्तों मिस मत करना, जल्दी आना, बहुत कम यूनिट है और अच्छा ब्रांड है ये। देखो सस्ता तो और भी हमारे पास, सस्ता प्रोजेक्ट भी और भी है हमारे पास, लेकिन ये ब्रांड है, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वालिटी वाला आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा है। देखना बहुत जरूरी होता है। जी जी, कुछ प्रोजेक्ट होता है ना जो बहुत काफी बड़ा होता है लेकिन अफोर्डेबल है, ये अफोर्डेबल है, ये ब्रांड है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कॉस्टली है, ये अफोर्डेबल है, ये मार्केट रेट के आसपास ही है। हमारे सर आप इनको जरा प्राइस भी बताइए। हाँ, अभी हम लोग प्राइस ओपन करते हैं। प्राइस आपको 2 बेडरूम हॉल किचन का 53 लाख प्लस टैक्सेस। हाँ, लेकिन अगर आप अभी कुछ दिन के अंदर आ जाते हो जल्दी से, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आप कुछ दिनों के अंदर आते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए का आपको तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा फिलहाल अभी के लिए, ठीक है, और उससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन सारी चीजें मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप जब आएंगे ना तो आपको धमाकेदार हम लोग डिस्काउंट देंगे, धमाकेदार ऑफर देंगे, आपको खुश करेंगे बहुत ज्यादा, आप फिर बोलोगे मुकाम वो खुश हुआ, ठीक है। दोस्तों अब हमें परमिशन दीजिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, टेक केयर, बाय बाय।